जोशी के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं था, या फिर जोशी को तो हटाकर गुस्सा ठंडा करने का दिखावा करना था। ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकसभा की करीब आधी सीटें हारने के बाद भी मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं माना गया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा तो वही पुराने नेता हैं, जो बदला है वो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरा है। दूसरे कार्यों में बिजी होने, पार्टी के साथ तालमेल नहीं रखने, पर्दे के पीछे से खेल करने के काम में जुट गए हैं। राजनीति में होने और दिखने वाली चीजों में भारी अंतर होता है। सामने देखकर लगता है कि नेता सदन में और सड़क पर जो बातें बोल रहा है वही सही होंगी, लेकिन ये सच नहीं है। सड़क पर पुलिस की लाठियां खाकर भी विपक्ष का नेता सरकार का हो सकता है, बल्कि सदन में सरकार को बुरी तरह से घेरने वाला नेता भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों का विशेष प्रेमी हो सकता है। लोकसभा चुनाव की 11 सीटें हारने के बाद राजस्थान की भाजपा सरकार पर सवाल तो बहुत उठे, लेकिन पार्टी ने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया। करीब 2 महीने के उपरांत पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी को हटाकर खानापूर्ति करने का प्रयास किया गया, लेकिन क्या सीपी जोशी ही इन 11 सीटों की हार के जिम्मेदार हैं? जोशी के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं था, या फिर जोशी को तो हटाकर गुस्सा ठंडा करने का दिखावा करना था? बीते 8 महीने में राज्य की बागडोर किसके हाथ में है? हारने से निराश होकर एक मंत्री पद छोड़ने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की 2 सीट जिताने की जिम्मेदारी थी। प्रभारी मंत्रियों की भी 11 सीटें हारने पर जिम्मेदारी मानी गई, लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकसभा की करीब आधी सीटें हारने के बाद भी मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं माना गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की लोकसभा सीट जीत या हार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, किंतु उन्होंने फिर भी हार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफा देने का प्रस्ताव भी पार्टी को दिया हो। 2014 में भाजपा की सरकार थी तब भी, और जब 2019 में राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं थी तब भी भाजपा ने सभी 25 लोकसभा सीटें जीतकर भाजपा संगठन ने मोदी के तूफान का एहसास करवाया। लेकिन जब मुख्यमंत्री का चेहरा 25 साल बाद नया है, उसके उपरांत भी भाजपा को 14 सीटें ही मिली, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा तो वही पुराने नेता हैं, जो बदला है वो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के कारण ही भाजपा 11 लोकसभा सीटें हारी है। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी मीडिया का एक वर्ग और सत्ता के करीबी लोग मुख्यमंत्री के बजाय मंत्रियों और भाजपा कार्यकर्ताओं को ही दोषी साबित करने में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में भी राजनीतिक सीजन खत्म हो गया है। आम चुनाव में रिक्त होने के कारण अगले 3 महीने में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उससे पहले बजट सत्र पूरा कर लिया गया है। सत्र में सत्ता पक्ष की महाकमजोरी और विपक्ष की हठधर्मिता साफ नजर आई। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वासुदेव देवनानी बहुत ही कमजोर साबित हुए और अपनी कमजोरी छिपाने के लिए आखिरी दिन की आखिरी मिनट में कांग्रेस के लाडनू से विधायक मुकेश भाकर को अगले 6 महीने के लिए निलंबित करके खुद को सांत्वना दे रहे होंगे। वैसे इस निलंबन के पीछे सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है। एक जरा से इशारे पर निलंबित कर देना कहीं न कहीं भाकर को बलि का बकरा बनाने वाली मंशा की तरफ इशारा कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम पहले विपक्ष की कमजोरी और मूर्खता पर बात करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में बीते 8 महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जबरदस्त प्रतिभा पर पूरा फोकस करेंगे, साथ ही उनके मंत्रियों की प्रतिभा पर भी प्रकाश डालेंगे और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के निकम्मेपन के कारण 8 महीने पहले राजस्थान की सत्ता भाजपा के हाथ में चली गई। सत्ता से बाहर होते ही अशोक गहलोत हमेशा की तरह बीमार होने, दूसरे कार्यों में बिजी होने, पार्टी के साथ तालमेल नहीं रखने, पर्दे के पीछे से खेल करने के काम में जुट गए हैं। और वैसे भी 25 सितंबर 2022 की घटना के बाद कांग्रेस आलाकमान उनको महत्व नहीं दे रहा था, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए बीमार होना ही था। इसके बाद अध्यक्ष बदलने की चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए अध्यक्ष नहीं बदला गया, बल्कि नेता प्रतिपक्ष ऐसी समुदाय से आने वाले पूर्व मंत्री टीकाराम जूली को बनाया गया। जूली कोई अतिरिक्त प्रभावशाली विधायक नहीं है, लेकिन पार्टी को सोशल इंजीनियरिंग करनी थी तो बिल्ली के भाग का छींका टूट गया। टीकाराम जूली के एलओपी बनते ही उनमें भी बड़े नेता के भाव आ गए। सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस विधायकों के साथ उनका बर्ताव एकदम से बदल गया। कांग्रेसी चर्चा करते हैं कि एक कम योग्य व्यक्ति को नेता बनाया गया है, लेकिन पार्टी के फैसले पर वो कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये बात सदन में साफ हो गई है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे प्रतिष्ठित पद के लिए टीकाराम जूली की योग्यता में भारी कमी है। नेता प्रतिपक्ष होते हुए बेल में चले जाना और अध्यक्ष को धृतराष्ट्र तक कह देना टीकाराम जूली की अयोग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। हालांकि विरोध के बाद टीकाराम जूली ने अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से माफी मांग ली, लेकिन जब विधायक मुकेश भाकर को निलंबित किया गया तो जूली बेल में ही चले गए। ऐसा पहली बार हुआ जब नेता विपक्ष सदन की बेल में हो, और नेता इससे पहले कितनी भी बार गतिरोध हुआ हो, लेकिन नेता विपक्ष कभी भी विधानसभा की बेल में नहीं गए। नियमों की जानकारी का अभाव और अपरिपक्व नेता की यही लक्षण होते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि मीडिया में छपने का शौक टीकाराम जूली
डीबी को सबसे अधिक है। इसके साथ ही वो अपने सभी वरिष्ठ साथियों को दरकिनार कर देना चाहते हैं। सरकार बदलने के बाद सदन का पहला सत्र खानापूर्ति था। केवल सरकार चलाने को बजट लेना था, इसलिए लेखानुदान की मांगे पारित करवाई गई। उसी सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे, तो अशोक गहलोत ने सदन से दूरी बनाकर अपनी कमजोरी भी साबित कर दी। पहले ही सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर अटैक किए, जिससे न केवल उनके आत्मविश्वास में बढ़ती ताकत को दिखाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि अगले 5 साल तक वो राजस्थान की सरकार के साथ क्या करने वाले हैं। गहलोत के निपटते ही गोविंद सिंह डोटासरा ने वो स्थान भरने का काम तेज कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले लगता था कि यदि अशोक गहलोत बाहर हुए तो सचिन पायलट सबसे पावरफुल और कांग्रेस के एकमात्र सर्वमान्य नेता होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टियों द्वारा समय समय पर अपने नेता बनाए जाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस और खुद अशोक गहलोत ने ही नेता बना दिया है। सदन में अपनी आक्रामक शैली के कारण डोटासरा कांग्रेसियों के चहेते बनते जा रहे हैं, जबकि सड़क पर उनका मुकाबला करने के लिए भाजपा का आज कोई नेता तैयार नहीं है। डोटासरा ने पर्ची सरकार और दिल्ली की पर्ची सरकार बोल बोल कर भाजपा की सरकार को खूब सुनाया है। इसका जवाब भाजपा नेताओं के पास है भी नहीं। राजनाथ सिंह ने जेब से पर्ची निकाली, तब वसुंधरा राजे के हाथ में आई और उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा की तो पूरा देश चौंक गया। हाल ही में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए पुकारा जा रहा है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री और सरकार कैसे बनी होगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भाजपा की इसी कमजोर कड़ी पर बार बार प्रहार किए हैं, जैसे एक परिपक्व नेता करता है। डोटासरा ने दिखा दिया है कि अब वो गहलोत की छाया से बाहर निकलकर अपने स्थान को पक्का कर रहे हैं। कांग्रेस में किसान कौम से आने वाले नेताओं के लिए हाल ही में एक वैक्यूम भी बन गया है, जिसे डोटासरा भरने का प्रयास कर रहे हैं। यदि डोटासरा अगले 4 साल अध्यक्ष बने रहे तो कांग्रेस में भारी खींचतान मचनी तय है। विधानसभा में सचिन पायलट का कम से कम उपस्थित होना और बिल्कुल भी नहीं बोलना काफी निराशाजनक रहा है। पायलट के बोलने की शैली खासकर युवाओं को बेहद प्रभावित करती है। उसके बाद भी उन्होंने सदन में न तो एक प्रश्न पूछा और न ही किसी बहस में भाग लिया। यदि विधानसभा में पहुंचे तो भी अपने साथियों के साथ फोटो रील बनवाने तक ही सीमित रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, लेकिन जब बात विधानसभा में बोलने की हो तो कम से कम जिस दिन सदन में आए उस दिन तो बोलना ही चाहिए, अन्यथा अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट में क्या ही अंतर रह जाएगा। वैसे भी राजस्थान की राजनीति करनी है तो यहाँ बोलना ही पड़ेगा। पायलट यदि नहीं बोलेंगे तो कांग्रेस में ही उनका स्थान लेने के लिए कतार लगाकर नेता खड़े हैं। पुराने मंत्रियों और नेताओं की बात करें तो गहलोत के नंबर एक रहे शांति धारीवाल का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। मंत्री रहते हुए अपने आलाकमान तक को चुनौती देने वाले धारीवाल ने आसन को गाली गलौज तक कर दी, लेकिन फिर भी वो सदन का हिस्सा बने रहे, जबकि सत्ता पक्ष के एक विधायक को बैठने का इशारा करने से ही स्पीकर देवनानी ने सरकार के साथ साजिश करके मुकेश भाकरो 6 महीने के लिए निलंबित कर अपनी कुंठा शांत करने का प्रयास किया है। शांति धारीवाल ने सभापति संदीप शर्मा को न केवल गालियां दी बल्कि कोटा में आने पर देख लेने की धमकी तक दे दी, लेकिन इसके बावजूद स्पीकर देवनानी ने धारीवाल को केवल 2 दिन सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेने की खानापूर्ति की सजा देकर खुद की इज्जत बताने का प्रयास किया है। धारीवाल को इन चीजों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरित्रार्थ करते हुए स्पीकर देवनानी ने धारीवाल का गुस्सा बेवजह कांग्रेस के युवा विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए सदन में निलंबित करके निकाला है। इससे साबित होता है कि स्पीकर भी पुराने मंत्रियों से खौफ खाते हैं, लेकिन अपनी खाल बचाने के लिए नए विधायकों पर कार्रवाई करके अपने कुंठित भूख शांत करने का प्रयास करते रहते हैं। विपक्ष में रहते हुए यही देवनानी पत्रकारों को घर बुलाकर नियमों की दुहाई देते थे, लेकिन जब इनको स्पीकर बनाया गया तो अपने चहेतों को छोड़कर किसी को भी पत्रकार नहीं मानते, बल्कि इनके स्टाफ ने जो मनमानी कर रखी है उसका जिक्र करना भी पत्रकारिता के साथ बेईमानी होगा। पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी ने कोरोना काल की आड़ में पत्रकारों के साथ जो अन्याय किया उसका परिणाम उनको हार के रूप में मिला है, लेकिन देवनानी को लगता है कि वो हमेशा विधानसभा अध्यक्ष बने रहेंगे, इसलिए जो कुकर्म सीपी जोशी ने किए वही अन्याय अब वास्तविक पत्रकारों के प्रवेश पत्र नहीं बनाकर वासुदेव देवनानी कर रहे हैं, जबकि पहली बार पत्रकारिता शुरू करने वाली लड़कियों के नियमित प्रवेश पत्र बनाकर चाय नाश्ते के साथ सदन में आवभगत हो रही है। समय के पास सबके कर्मों का लेखा जोखा रहता है। कुछ लोगों को पद मिलते ही सोचने लगते हैं कि यह हमेशा उनके पास रहने वाला है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि समय आने पर समय ही सबका हिसाब किताब कर देता है। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे और तीनों ही बार विपक्ष में रहते कभी सरकार को आईना नहीं दिखाया। गहलोत अच्छे से जानते हैं कि उनकी सफलता का मार्ग गांधी परिवार से ही निकलता है, इसके अलावा मेहनत या ईमानदारी किसी काम की नहीं है। 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों ही बार सोनिया गांधी ने बनाया। इन बातों को खुलेआम दावे के साथ कहने वाले गहलोत एक बार फिर सदन से गायब ही रहे। बहाना तो बीमारी का बनाया गया, लेकिन इनकी इस बीमारी पर भी कौन भरोसा करेगा जो चुनाव से पहले ममता बनर्जी स्टाइल में पैरों के नाखून तुड़वाने की पट्टियां बंधवा कर बैठे।
बैठे थे। चुनाव खत्म होते ही गहलोत के भी नाखून ठीक उसी तरह से सही हो गए जैसे विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही ममता बनर्जी की टांग ठीक हो गई थी। गहलोत खुद को सदन से भी ऊपर मानते हैं, इसलिए वो सदन में जाना उचित नहीं मानते हैं। जाते भी हैं तो सहनशाह की तरह जाते हैं और बैठकर वापस निकल जाते हैं। न कभी प्रश्न पूछते हैं, न बहस में हिस्सा लेते हैं, न किसी बिल के ऊपर सरकार को सुझाव देते हैं और न ही कभी सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हैं। इससे साबित होता है कि गहलोत ने खुद को संविधान, लोकतंत्र और सदन की परंपराओं से काफी ऊपर मान लिया है। प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि ऐसे नेता को क्षेत्र की जनता चुनकर विधानसभा में भी भेज देती है और लोकतंत्र की आड़ में राजा बने बैठे इनकी पार्टियों के मठाधीश अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री और मंत्री भी बना देते हैं, जबकि उनसे कहीं अधिक मेहनत करने वाले और ईमानदार लोग परिश्रम करते ही रह जाते हैं। गहलोत की उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो 2028 में पायलट डोटासरा की मेहनत से बनने वाली सरकार के मुखिया बनने का सपना देख रहे हैं। हालांकि इस बार रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने 25 सितंबर 2022 को उसी गांधी परिवार की बेइज्जती की थी जिसके दम पर तीन तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस बार कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली समेत कई अन्य नेता दौड़ में शामिल हैं। समय बताएगा कि कौन आगे रहेगा, लेकिन गहलोत जैसे निकम्मे नेताओं को लोकतंत्र के सिस्टम से बाहर करना जनता का दायित्व है। विपक्ष अन्य नेताओं ने सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई तो पहली बार चुनकर आए विकास चौधरी, मनीष यादव, अभिमन्यु पूनिया, रविंद्र भाटी, शिखा बराला जैसे युवा विधायकों ने अपनी छाप छोड़ने का प्रयास किया। इनमें से अधिकांश नेता विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, जिनको शांति धारीवाल को छोड़कर पुराने नेताओं से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ युवा नेता सीखने के बजाय सिखाने के स्टाइल में नजर आते हैं। रील वाले एक युवा नेता ने तो यहां तक दावा कर दिया कि वो बड़े नेताओं को सबक सिखा देंगे। ऐसे में लगता भी नहीं है कि इस तरह का युवा विधायक कुछ सीख पाएगा। सदन स्थगित होने से ठीक पहले मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और शांति धारीवाल के मुकाबले भाकर का गुनाह तो न के बराबर था। उन्होंने केवल अपने बोलने की बारीक में बार बार खड़े हो रहे भाजपा विधायक को बैठने का इशारा किया था, जो स्पीकर को इतना नागवार गुजरा कि सदन से निलंबित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि धारीवाल का गुस्सा भाकर पर निकला जा रहा था। सत्ता पक्ष की ओर से बजट पेश किया गया, उसके गुण अवगुण अपनी जगह हैं, लेकिन इसके अलावा सदन में क्या हुआ किसी को पता नहीं है। केवल एक चीज अगले सत्र तक याद रहेगी कि मुकेश भाकर को अकारण निलंबित कर सरकार और स्पीकर ने तानाशाही दिखाई थी। इस सत्र में सरकार की ओर से कौन कैसा परफॉर्म कर पाया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उनके मंत्री कितने समझदार रहे, सरकार के सदन में हालत कैसी रही, सदन का स्तर पहले के मुकाबले कितना गिराया गया, मंत्रियों की इस्तीफे और मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा के बीच वो सब कुछ चल रहा है जो राजनीति के हिसाब से जानना बेहद जरूरी है। अगले वीडियो में सदन के भीतर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्पीकर वासुदेव देवनानी और मंत्रियों की परफॉर्मेंस के ऊपर चर्चा करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ ही अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी करें।